एक ग्लास वाटर मिलेगा क्या? इसे एक गिलास पानी चाहिए। एक दो दे देना। पूरी बोतल ही थमा दो। अरे ये बुढ़पा पानी मांग रहा है। नागफनी का रस, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या हाल है मियां? घर से भाग कर शादी करने आए हो? आखिर तुम हो कौन? कौन हूं मैं? कोई भी हो सकता हूं। बात क्या है बरखुरदार? अम्मी जान की याद आ रही है क्या? दरअसल माँ को मेरी याद आती होगी, और तुम्हारी माँ का मुझे फोन आया था। अब वैसे मियाँ कहाँ से तशरीफ लाए हो तुम? मैं जंग के बीच से, एक ऐसी जंग जो सदियों से लड़ी जा रही है, जीत कर आ रहा हूँ। जीत की आदत सी हो गई है। हाँ सही सुना तुम सब गांव वालों ने। क्या है मेरी बिरादरी में सवेरे सूर्य सर पहले सबकी पिटाई करते हैं। एक्सरसाइज नहीं, दोपहर को पिटाई, शाम को थोड़ी और पिटाई, और रात बातें करो। खा लेते हैं भाई। मैंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसके बारे में सुनकर तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। तुम्हें पता भी है 10,000 भैंसों के साथ लड़ना कितना मुश्किल है। गिनते गिनते मर जाओगे। मुझे तो लाश के पत्तों को कोई साफ नहीं करता क्या? बीमारियां फैलती है। सुनो नन्द बाल कलाकार, मेरी माँ की याद नहीं सताती मुझे, पर किसी के फेफड़ों का कचुम्बर करने का मौका न मिलने की सोच बहुत सताती है। तो बेहतर यही होगा कि मेरे पैरों तले अपनी दुनिया बसा लो। मेरा नाम है रैंगो। रैंगो? क्या आपने उन 7 दरिंदे भाइयों को मारा? हाँ, सिर्फ एक गोली से मारा था। गोलियां सस्ती नहीं होती। 7 को एक ही गोली से? वही तो, 7 भाइयों को। पर आपने ये कर्तव्य किया कैसे रैंगो साहब? ये सवाल मुझे बहुत प्यारा है, और इसका जवाब देते ही मेरी मंगनी हुई थी। सब लोग इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस जवाब को समझना इतना आसान नहीं। ये रही आपकी जिंदगी की कमाई आंटी जी, 2 घूंट और 1 चुल्लू। बहुत हटाओ छछिंदर के बच्चे, अच्छे स्कूल में दाखिला चाहिए कि नहीं? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है बीन्स। गांव की हालत ऐसी है कि हम किसी को पानी भी नहीं दे सकता। पर ये तो एक बैंक है ना, गांव का सारा पानी यही तो है। गांव का सारा पानी बीन्स? गांव का सारा पानी नहीं, सारे गांव का पानी बोलो। और डरो मत, तुम्हारा पानी भी इसी बैंक में है। और मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी पूरी मदद करने की, पर गांव में स्थिति कुछ ऐसी है। मैनेजर साहब, ऊपर से गुजर। मैनेजर साहब, आपकी तबीयत ठीक है? बीन्स, हम तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बस इतना ही पानी बचा है? हाँ, बैंक में इतना ही पानी बचा है। और तुमको तो पता ही होगा कि आजकल बुधवार को पानी जमा करने के लिए कोई बैंक में आता ही नहीं। मैनेजर साहब, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, और आप मुझे कह रहे हैं कि बस इतना ही पानी बचा है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अच्छा सुनिए, कोई तो रेगिस्तान में पानी जाकर फेंक रहा है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। रेगिस्तान में पानी? या तुमने दौरा पड़ते वक्त तो नहीं देखा ना? नहीं। खैर, यहाँ के लोग सपने देखते हैं, पर यही तो सच्चाई है। इतने सारे लोग क्यों अपना जमीन बेचकर जा रहे हैं? और कोई चारा ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी? शायद सरपंच हमारी कोई मदद कर दे। मैंने सुना है कि लोगों को सही सलाह देने में वो काफी माहिर है। सरपंच जी,
शायद वो ही हमारा आखिरी उम्मीद हो सकता। गोली जाकर पंखे को लगी, तीसरे भाई के भेजे में घुसी। ये देखकर चौथे भाई की चीख निकली, जो सुनकर दूसरे भाई के कान के पर्दे फट गए और पहले और पांचवे को दिल का दौरा पड़ा, जो देखकर सातवें भाई की चीख निकल गई। अरे अरे एक मिनट रुको जरा, भाई तो सात थे तो फिर छठा भाई कैसे मरा? छठा भाई कैसे मरा? वो स्वाइन फ्लू से मर गया। छछुंदर अगर पैसा उधार लेता है तो वापस करना पड़ता है, स्कूल में सिखाया नहीं क्या? उस दिन ये स्कूल में एब्सेंट था गुरुजी, पेट खराब था। अगर तुमने दो दिन में पैसे नहीं दिए तो मुझे हिसाब किताब करना अच्छे से आता है बच्चू, गणित में कमजोर है। दो दिन कौन सिनेमा चल रहा है? भगत ससुर। बादशाह भाई मुझे आपसे जरूरी बात है। ससुर की नाती कारे कौन है ये? जनाब जानते नहीं ये कौन है? ये है मियां रेंगो। हाँ ये तुमसे नहीं डरते, ये किसी से भी नहीं डरते। उन भाइयों को इन्होंने मारा और वो भी एक गोली से बादशाह, सभी सातों को। क्या बात कर रहे हो? मैं बुझा देता हूँ, वैसे भी बहुत गर्मी है ना। अरे कुछ नहीं हुआ। ओह एक मिनट, वो थोड़ा सा लोचा हो गया, एक मिनट। ये लो, अब ठीक है ना? एक मिनट। अच्छा सुनो, मैं तुम सबको एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ जान बचाने का। और अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। लड़का तो समझदार निकला। अच्छा गांव वाला सुनो, मैं यहाँ समा की छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ, ओके? तुम राज करने आया हूँ। हर सवेरे मुझे बेड कॉफी चाहिए और साथ में 22 बिस्किट। मैं यहाँ का गॉडफादर हूँ तो आंखें नीचे करके बात करना। गांव की सबसे गोरी लड़की मुझसे शादी करेगी। ये तो रेंगो ये किसी से डरता नहीं है, झील का काम तमाम कर देगा। मुझे मकई की रोटी बहुत पसंद है और हर शाम को गुलाब के फूल का गुलदस्ता मेरे सामने आ जाना चाहिए, वरना मेरा मूड खराब होता है।